सीएससी ने अपना खुद का ट्रेन टिकट बुकिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब आपको आईआरसीटीसी पोर्टल में जाकर एजेंट आईडी लॉगिन करके टिकट नहीं बुक करना है, क्योंकि अब वहां से आपकी आईडी को मूव कर दिया गया है। सीएससी ने नए पोर्टल पर आपकी मैपिंग कर दी है, तो अब वहां से आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आईडी लॉगिन हो जाएगी, क्योंकि आपने जो भी टिकट अभी बुक की है, अगर यदि आपका कोई कस्टमर आता है टिकट कैंसिल कराने के लिए, तो पूरी तरह से अगर बंद कर दिया जाएगा उसे, तो फिर आप वह सुविधा नहीं ले पाएंगे। तो जब तक आपकी पूरी लास्ट टिकट ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप उसको लॉगिन तो कर सकते हैं, वहां से लॉगिन हो जाएगी आपकी आईडी और रिफंड कैंसिलेशन स्टेटस बुक हिस्ट्री सभी चीज आप वहां पर देख पाएंगे, लेकिन सिर्फ आप पुराने पोर्टल पर न्यू टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। अब नई टिकट कहां से बुक करेंगे, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सीएसटी ने अपनी नई ट्रेन टिकट बुकिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब आपको पूरी विधि में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस नए पोर्टल पर आप कैसे टिकट बुक करेंगे, क्या है नए पोर्टल की नई वेबसाइट। चलिए चलते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, जानते हैं इसका पूरा टिकट बुक करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर आ जाना है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं भी नीचे लिंक दे दूंगा, www.techguruforyou.in। यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पोस्ट डाला हुआ है, यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगा सीएससी आईआरसीटीसी न्यू पोर्टल से टिकट बुक कैसे करें। अब अगर यदि ये पोस्ट आपको नहीं दिख रहा हो, अगर यदि पोस्ट पुराना हो गया हो, आप कभी ब्लेड वीडियोस देख रहे हो, आप यहाँ पर ऊपर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सीएससी आईआरसीटीसी टाइप कर देंगे, सीएससी आईआरसीटीसी। तो यहाँ पर आपको अगर ये पोस्ट नहीं दिखाई देता है फ्रंट में, ये पोस्ट आपको अंदर पर दिखाई दे देगा। यहाँ पर आप देखेंगे सीएससी आईआरसीटीसी एजेंट आईडी लें और फिर उसी से रिलेटेड नीचे देखेंगे सीएससी आईआरसीटीसी न्यू पोर्टल टिकट बुक कैसे करें। तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, आप इस पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। और जैसे इस पोस्ट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैंने पूरी की पूरी जानकारी आपको दी हुई है कैसे आप टिकट बुक करेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है जहाँ से अभी सीएससी आईआरसीटीसी से नई टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कैसा कैसा प्रोसेस है सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से, आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे नीचे वीडियो भी दिख जाएगा, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो फॉलो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हमारे वेबसाइट के भी सभी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। आईआरसीटीसी ट्रेन बुकिंग के नए पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सीधे हाथ पर ऊपर लॉगिन का विकल्प नजर आ रहा होगा, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, इस बॉक्स को चेक मार्क करना है, प्रोसेस टू लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ, यानी कि सीएससी आईडी का परमिशन देकर रखा हुआ, तो मेरा डायरेक्ट ही यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। हो सकता है आपसे फर्स्ट टाइम में यहाँ पर परमिशन पूछे कि आप सीएससी आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको यस के विकल्प को क्लिक कर देना है। अभी परमिशन देने के बाद में आपको इस प्रकार का पोर्टल नजर आएगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आप बुक पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा बुक ट्रेन टिकट, यानी कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप टिकट बुक कर पाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है उसकी जानकारी देना है, नीचे ट्रेवल की जर्नी डेट आपको सिलेक्ट करना है, क्लास चयन कर सकते हैं, कोटा चयन कर सकते हैं, लगभग सारी प्रोसेस वैसे ही है। और सर्च पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सभी ट्रेन शो हो जाएंगी, मैं आपको अभी एक टिकट करके भी दिखाऊंगा। पीएनआर पर क्लिक करते हैं तो अगर यदि आपको किसी का पीएनआर स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर इजीली 10 नंबर का पीएनआर नंबर डाल करके उसकी स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बुक ट्रेन टिकट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऊपर देखेंगे बुक हिस्ट्री दी हुई है, सपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पर आपकी आईडी का प्रोफाइल दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो देखिए कैंसिलेशन टिकट, आपने जो भी टिकट कैंसिल की उसकी जानकारी मिल जाएगी, टिकट बुक हिस्ट्री मिल जाएगी, टीडीआर और प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से टिकट। और जो भी आपने लास्ट टिकट की है तो यहाँ पर उसकी लास्ट टिकट की जानकारी शो होगी, यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन फेल्ड है सक्सेस उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक टिकट बुक करनी है देवास से जबलपुर, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ देवास से जबलपुर और जर्नी की डेट का चयन कर लेते हैं जिस डेट में हमें जर्नी करनी है। क्लास का चयन कर सकते हैं, मैं ऑल क्लास पर ही रहने देता हूँ, कोटा जनरल ही रखता हूँ, सर्च ट्रेन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सभी ट्रेन शो होने लगी हैं, यहाँ पर देखेंगे ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम और किस किस दिन ये ट्रेन चलती है उसकी डिटेल शॉर्ट में फर्स्ट नेम शो हो रहा है, यहाँ पर स्टेशन का कोड शो हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक आपने इस टिकट को बुक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप ट्रेन छूटने का टाइम और ट्रेन अराइवल टाइम देख सकते हैं और उस बॉगी में कितने क्लास है यहाँ पर आप क्लास देख सकते हैं, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, सेकेंड एस, और इस रूट में जितनी भी ट्रेन है वो यहाँ पर शो करेंगी। लेफ्ट में आपको यहाँ पर फिल्टर नजर आ जाता है, आप फिल्टर की मदद से भी यहाँ पर कोटा चयन कर सकते हैं, क्लास का चयन कर सकते हैं। मुझे इस ट्रेन में टिकट बुक
करनी है और मैं यहाँ पर स्लीपर क्लास का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्लीपर को सिलेक्ट करूंगा। नीचे देखेंगे तो तारीख के साथ सीट अवेलेबिलिटी भी शो हो रही है। तो जैसे कि मुझे 1 जुलाई का टिकट करना है, यहाँ पर 8 वेटिंग शो हो रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोबारा से देखिए सारी जानकारी दी जा रही है, किस तारीख में है, कहाँ से कहाँ तक का है, सारी जानकारी क्लास वगैरह शो हो रही है। आप इसे एक बार अवश्य देख लें। कभी कभार मोबाइल लैपटॉप हैंग होता है, जिसके कारण हम कहीं पर क्लिक करते हैं दूसरी जगह पर क्लिक हो जाता है और टिकट रॉन्ग हो जाती है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर आप एक बार चेक जरूर कर लिया करें। अब हमें यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसेस एंड मिस। मिस्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है जब कोई मेल हो, मिसेस का उपयोग जब कोई शादीशुदा लेडी हो, और मिस कोई लड़की हो। हम यहाँ पर मिस्टर का चयन करेंगे। पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर और बर्थ का चयन कर लेंगे। इंडिया के बाहर रहता हो तो उस कंट्री का चयन कर लेंगे, अगर यदि कोई फॉरनर हो। और डिटेल देने के बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो एक पैसेंजर हमारा ऐड हो जाएगा। चलिए हम फटाफट से पैसेंजर की डिटेल दे देते हैं। हमने यहाँ पर डिटेल दे दी है, ऐड पैसेंजर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा एक पैसेंजर ऊपर ऐड हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे पैसेंजर को भी ऐड करेंगे। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं। तीसरे पैसेंजर को भी हम ऐड कर लेते हैं। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हमने 3 पैसेंजर ऐड कर लिए हैं। नॉर्मल टिकट में आप एक बार में 6 टिकट बुक कर सकते हैं और तत्काल कोटे से एक बार में 4 पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। किसी भी पैसेंजर को अगर यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, नाम, उम्र वगैरह डालने में मिस्टेक हो गई हो, तो आप यहाँ पे क्रॉस बटन पर क्लिक करके उसे डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। नीचे आते हैं, डू यू वांट टू चेंज बोर्डिंग पॉइंट। अगर यदि आप जहां जिस स्टेशन से बैठना चाहते हैं उस स्टेशन को बदलना चाहते हैं, यस पर क्लिक करेंगे और आप जिस स्टेशन से भी बैठना चाहते हैं उस स्टेशन का चयन कर लें। याद रखें कि आप इसे एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा से आप बोर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम इसे नो पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल देना है। अब पैसेंजर कहाँ के लिए सफर कर रहा है तो उसका शॉर्ट में एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, इतनी जानकारी आपको दे देना है, या फिर आप पैसेंजर का आधार का एड्रेस से ही शॉर्ट नेम वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं एड्रेस का। अदर परफॉर्मेंस में यहाँ पर देखेंगे आप, अगर यदि अपने ही आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं टिकट के, जैसे ही कंफर्म हो तो मिल जाए तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड। यानी कि आपने अगर इस विकल्प को चयन कर लिया और अगर वहाँ पर टिकट वेटिंग है, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन तो सक्सेस हो जाएगा लेकिन टिकट फेल्ड हो जाएगी, क्योंकि आपने इस विकल्प को चयन किया है कि आपकी सीट तभी बुक हो जब सीट कंफर्म हो। ये एक अच्छा विकल्प माना जाता है अगर यदि आप कुछ ऐसे टिकट्स बुक कर रहे हो तत्काल वगैरह की, कि सीट भैया कंफर्म हो तभी आपको चाहिए, वरना टिकट बुक ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारी टिकट पहले से ही वेटिंग है तो हम इस विकल्प को अलग कर देंगे, वरना हमारे खाते से पैसा कट जाएगा, 7 से 10 दिन के लिए पैसा फंस जाएगा, क्योंकि टिकट तो ऑलरेडी वेटिंग है, कंफर्म तो है ही नहीं। पसंदीदा अगर यदि आपको कोच चाहिए हो, जैसे कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स ने पहले से टिकट बुक करा करके रखी है इस ट्रेन में, उनका बॉगी नंबर आपको पता हो, तो आप उसका बॉगी नंबर डाल सकते हैं। अगर यदि उस बॉगी में सीट कंफर्म होगी तो आपको दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल S4 में मेरे फ्रेंड्स ने लिया हुआ, तो मैं यहाँ पर S4 डाल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर S4 अगर यदि दिया है, तो अगर यदि S4 में कंफर्म है तो S4 में मुझे टिकट मिलेगी। फिलहाल मैं इसे अलग कर देता हूँ। रिजर्वेशन चॉइस में जाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प को चयन करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 टिकट बुक की है, और अगर यदि मैं चाहता हूँ टिकट कंफर्म हो तो मुझे सेम कोच पर ही मिले, तो मैं यहाँ फर्स्ट वाले विकल्प को चयन कर लेता हूँ। नीचे नो पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको पैसेंजर की डिटेल शो हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टिकट का फाइनल अमाउंट शो हो जाएगा, जो कि आपके CSC पोर्टल से काटा जाना है। इतना याद रखिए कि जो अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, इससे ₹200 एक्स्ट्रा आपके CSC वॉलेट में डाला होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर यदि पेमेंट नहीं हो तो पहले CSC वॉलेट में आप पैसा ले लें, फिर उसके बाद पे पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर सीधे आपको CSC वॉलेट में ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपका CSC ID डाला हुआ है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं CSC का। वैलेट पर क्लिक करते हैं, वॉलेट नंबर पिन डाल देते हैं, पे पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो कि CSC से रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके CSC का पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर मोबाइल पर आपके एक OTP पहुँचाया जाएगा, तो उस OTP को दर्ज करना है और इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें, कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड योर टिकट्स, और यहाँ पर आप इस टिकट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर यदि आपका यहाँ पर लॉग आउट हो जाते हैं किसी प्रकार से और आप इसका प्रिंट आउट नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर वापस से होम पर आना है और यहाँ पर बुक हिस्ट्री का विकल्प मिलेगा, इससे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका PNR नंबर शो हो जाएगा और अमाउंट भी शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको PNR पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने टिकट्स की डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर प्रिंट आउट का विकल्प आ रहा है, प्रिंट यहाँ से आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप CSC IRCTC के नए पोर्टल से अपना एजेंट ID से टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।